Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। हुकूमत के ओछे हथकंडे, ख्वातीन की गाड़ियों पर हमला, बर्गर मार्च किसका, शिबली एहसन आमने सामने, और ग्लैडिएटर्स की फतह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन की। विफाकी हुकूमत ओछे हथकंडों से बास ना आई। हुकूमत के इमाम पर लाहौर जमान पार्क में पुलिस की मुमकिन ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। मॉल रोड, फ्लाईओवर पर तमाम थानों से नफरी तलब कर ली गई है। डॉल्फिन पीआरओ भी जमान पार्क के गिर्दोनवाह में इस वक्त भी मौजूद है। पुलिस फोर्स ने शहर भर में कंटेनर्स को रोकना शुरू कर दिया है। दिन भर शैलिंग के बाद रात गए जमान पार्क के अतराफ 80 से ज्यादा कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। दूसरी जानब इमरान खान के जानिसार चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए पुलिस का सामना करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। तमाम वर्कर्स और सपोर्टर्स जल्द अज जल्द जमान पार्क पहुंचे। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अपील। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, लाहौर जल्द अज जल्द जमान पार्क पहुंचो, आज रात सुपर हाई अलर्ट है। इसे मामूली ना समझें। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगी। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि आज रात इन जालिमों की जानिब से एक और साजिश का खतरा है। कारकुनान ने पूरा दिन जुल्म जबर का सामना किया, अगर कोई साजिश हुई तो पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। पीटीआई की जानिब से लाहौर में इलेक्शन का ऐलान, हुकूमत हो गई हलकान, कैंपें टांग गई, किनार रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस और कारकुनान आमने सामने, हुकूमती मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल। पुलिस कारकुनान पर चढ़ धोड़ी, आंसू गैस की बारिश की गई, पथराव, लाठीचार्ज आदि तो भी चलाई गई। मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत, मुबैना पुलिस तशद्दुद से एक कारकुन जान की बाजी हार गया। पुलिस ने पीटीआई के 39 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। खवातीन भी पुलिस गर्दी का निशाना बनी। एहलकारों ने डंडे मार मार कर यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। आम शहरियों की गाड़ियाँ भी जद में आई। खान की खातिर जान देने के लिए भी तैयार हूँ, अली बिलाल ने जो कहा कर दिखाया। जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटा। लाहौर में पीटीआई की रैली, पुलिस और कारकुनान का आमना सामना हुआ। पुलिस कारकुनान पर टूट पड़ी। जमान पार्क और कैनाल रोड मैदान जंग बन गए। पुलिस ने आंसू गैस, लाठी चार्ज और डंडे बरसाए। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। हर तरफ आंसू गैस के धुएं के बादल छा गए। लाठी चार्ज और शेलिंग से एक कारकुन जा बहा और कई कारकुनान शदीद जख्मी हुए। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि अली बिलाल को आंसू गैस का शेल लगा, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस एहलकारों ने डंडे मार मार कर यास्मीन राशिद की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। आम शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन रैली के दौरान कारकुन अली बिलाल की शहादत। हिरासत में मुबैना तशद्दुद से अली बिलाल की हिलाकत कानून के रखवालों पर सवालिया निशान बन गई। इमरान खान के दीवाने को पुलिस घसीटते हुए गाड़ी में डालकर लेकर गई। मुकदमा भी दर्ज ना हो सका। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई मौकफ भी सामने नहीं आया, जिसने मामले पर मजीद शकों को शुभात पैदा कर दिए हैं। हकीकी आज़ादी तहरीक की राह में पुलिस के तशद्दुद की भेंट चढ़ने वाला अली बिलाल मोहल्ले की आंख का तारा था। शहीद अली बिलाल के घर में सफ़े मातुम और इलाका सोगवार है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो इमरान खान का दीवाना था, उसे हक का साथ देने की सजा मिली। इमरान खान था कि मैं कहता रोजाना डेली बुलंद नागा वो जाता था यहाँ से पैदल ले गए तो किसी ने लिफ्ट ले गए, वो लाजमी जाता था और रात को 12-1 बजे आता था। ये बेइंसाफी और हिवानियत अपनी जगह, ये हिवानियत का एक बहुत जीता जाता सबूत है। क्या ये बददुआएं उन तक नहीं पहुंचेंगी जिनका इसको शहीद करने में, एक दरवेश इंसान को शहीद करने में जिनका हाथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी रैली मुलतवी कर दी। कारकुनों को पुरअम तौर पर घर जाने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं ने रैली पर पुलिस के बेईमाना तशद्दुद को हुकूमती फस्तायत करार दे दिया। हमाद अज़हर कहते हैं, खून खराबा नहीं होना चाहते। पुलिस ने हमारी ख्वातीन पर तेजाब वाला पानी फेंका,
दर्जनों कारकुन जख्मी हुए। फरूख हबीब का कारकुन के कत्ल की FIR दर्ज कराने का ऐलान। बोले मुकदमे में वजीर आजम, वजीर दाखिला, निगरान वजीर आला पंजाब और CCPO को नामजद करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि अली बिलाल को आंसू गैस का शैल लगा। पुलिस ने तशद्दुद भी किया। लाहौर की धरती को खून की धरती में बदला है। 26 नवंबर को इनका मंसूबा था खून रेजी करने का, आज इन्होंने वो खून रेजी का आगाज कर दिया है। अली बिलाल को शहीद करके, अली बिलाल जो है वो शहीद है। ये CCPO लाहौर, ये IG पंजाब, इनके हाथ हमारे कारकुन के खून से रंगे हुए हैं। इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत जो नाफिज की है इन्होंने, इसकी जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, और अगर अभी फर्ज करो आपको ये जोम है, आपकी हुकूमत सदा नहीं रहनी। हम इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आई, हम जिले शाह का बदला लेंगे। इस तरह से आज आपने अल्लाह और कुदरत, और अगर कहीं निज़ाम है, निज़ाम कुदरत, तुम लोगों पे ये जो जिले शाह का खून है बहुत भारी पड़ने वाला है। एक मासूम की जान आज गई है, तुम लोगों पे अल्लाह मजीद अजाब डालने वाला है, और ये अजाब तुम सह नहीं पाओगे। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर की हंगामी मीटिंग में PTI पर पुरअमन रैली पर वहशियाना तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत की गई। कहा गया कि दौरान शेलिंग दर्जनों कारकुनान जख्मी, जबकि नौजवान जाँ बहक हुआ। वाकया काबिले मुज़म्मत है। सदर बार एसोसिएशन ने कहा कि दौरान तशद्दुद निहत्ते नौजवान अली बिलाल की मौत ने सानेहा मॉडल टाउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मरकजी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और पुलिस हुकाम ने आम शहरी के खून से हाथ रंगे हैं। हुकूमत की जानिब से दिफा 144 का इनेकाद इलेक्शन रुकवाने की घनौनी साजिश है। तर्जुमान अक़वामे मुत्तहिदा ने भी लाहौर में निगरान हुकूमत की फस्तायत की मज़म्मत कर दी। पुरअमन इलेक्शन रैली पर क्रैक डाउन पर तर्जुमान अक़वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि पुरअमन मुजाहरों पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पुलिस की जानिब से अगर सियासी वर्कर की मौत हुई तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी शफाफ तहकीकात चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज को चाहिए कि वो पुरअमन मुजाहरीन की हिफाजत को यकीनी बनाए। Well, regarding if there are any deaths, those would need to be investigated thoroughly, and of course there needs to be accountability for any deaths or injuries that occur. But of course, in situations like this, we call on security forces to exercise maximum restraint. People have the right to peaceful protest, and security forces around the world should allow them to go. राणा सना ने लाहौर में PTI की रैली को बर्गर मार्च का नाम दे दिया। लाहौर में औरत मार्च और हया मार्च के दौरान इमरान खान के बर्गर मार्च भी ले आए। PTI को रूट तब्दील करने का कहा गया, मगर ये कानून को किसी खाते में ही नहीं लाते। एजेंसीज की रिपोर्ट पर निगरान हुकूमत ने दिफा 144 नाफिज की। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है, ये किसी रूल को, किसी कानून को तो खातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने दफ़ा 44 का नफाज करना जो है वो मुनासिब समझा है। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भाई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियाँ की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही। मुकदमात की भरमार, अदालतों में पेशियां, कप्तान की जवाबी हिकमत अमली, कानूनी माहिरीन और सीनियर क़यादत से मुशावरत। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद न जाने का फैसला कर लिया। फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से। सरबरा तहरीक इंसाफ ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें भी वापस ले लीं। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी की इजाज़त की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। केस की समाअत जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने करेंगे। इमरान खान ने वीडियो लिंक पर पेश होने की इजाज़त मांग ली। चेयरमैन PTI की जानिब से नई दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें सदा की गई है कि इस्लामाबाद के तमाम मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश होने की इजाज़त दी जाए। सिक्योरिटी खदशात के बायस अदालती कार्रवाई भी तातुल का शिकार है। तमाम मुकदमात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चलाए जाएँ। इमरान खान की अदालत में पेशी पर पुलिस को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दे दिया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि मोटरवे पर भी सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया जाए।
इमरान खान को मारने की साजिश हो रही है, जान को शदीद खतरात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज कहते हैं इमरान खान हाईकोर्ट आने के लिए तैयार बैठे हैं मगर सिक्योरिटी मुनासिब नहीं कि वो अदालत में पेश हों। दीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले इमरान खान को खौफ है गिरफ्तार हो गया तो 24 घंटे कैसे गुजारेगा, इलेक्शन से कोई फरार नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होना है। पर दोबारा एक हमला करने की तैयारी हो रही है, खान साहब की ज़िंदगी को खतरा है, खान साहब की सिक्योरिटी इस वक्त उस लिहाज से कुछ नहीं है कि वो यहाँ पे आए, वो तैयार बैठे हुए हैं यहाँ पे आने के लिए, जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसकी वजह से यहाँ पे अदालत में नहीं आ सकते। असल में इमरान खान को अब ये भी खौफ है कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो फिर 24 घंटे कैसे गुजारेगा। उसने गोली लगने का ड्रामा किया था, उसके बाद उसने सरकारी अस्पताल से फरार इख्तियार की। खान साहब को एक किस्म का उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, मुख्तलिफ सियासी बुनियाद पे सारे झूठे मतलब है मुकदमात उन पे दायर किए गए हैं। आईन और कानून की हुक्म अजूली के जरिए पाकिस्तान की अदालत अगर उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी करती है इसमें हुकूमत का तो कोई दखल नहीं है। समाजी इंतशार मुब्तला कर दिया है इस नालायक और नकम्मी हुकूमत ने, तो उसे छुटकारा हासिल करने के लिए इलेक्शन ही एक रास्ता है। इलेक्शन से कोई फरार नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्शन की मुद्दत अक्टूबर 2023 है। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई, जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई। बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सके कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।